इलाके से छोटे छोटे जुलूस बनकर चला इस तरह इमाम बारगाह में आते अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। और व्यूअर्स, आज है 6 मुहर्रम, नन्हे शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है आज। तो उस मुनासिबत से हम लोग आज अपना दिन गुजारेंगे, कुछ सबील का एहतमाम करना है वो भी करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी आज की रूटीन बनती है, मजलिस जाएंगे इमाम बारगाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे मजलिस भी। और अभी सबसे पहले चलेंगे सबील, सबील की तैयारी करनी है और मोमिनीन को वो पिलानी है। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और सामान कुछ तो ले लिया है, बाकी थोड़ा सा जो है ना रहता है वो भी सामान चल के लेना है। भाई जुल्फकार तो हमारे साथ है। जुल्फकार, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ तो भाई अभी जो है ना हैदर को उठाना है। हैदर कहाँ रह गया यार, आजा जल्दी आ जाओ भाई। किधर रह गया हैदर, जल्दी करो यार, तुम्हें घर के काम भी अभी याद आते हैं। किधर गया, उठा के ले गया? गंदम थी भाई, चक्की पे वो रखनी थी हैदर वालों के। हैदर भाई और तो कोई काम नहीं है? नहीं है भाई, लिस्ट निकालो अपने कामों की, हो गया ना? चलो आपको भी ले लो, आ गए आप ब्लॉग में, ठीक है बेटा। हैदर ये सामने स्टोर है, यहाँ से बच्चा कुछ सामान ले लेते हैं, फिर इसके अलावा और क्या रहता है उसके अलावा? यार है थोड़ा बहुत सामान। अच्छा हाँ, बर्फ भी रहती है, बर्फ भी लेनी। बर्फ आगे से ले लेते हैं, इसी रोड पे आगे है ना दुकान है, ठीक है। बिस्मिल्लाह भाई, ये थोड़ा सा ये रहता था और अभी आगे चल के बर्फ ले। अस्सलाम वालेकुम लाला, बर्फ दे दो। क्या हिसाब है बिलाव? 1,18,000 रुपए। चलो हैदर बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान हो गया पूरा, अभी डायरेक्ट पहुँचते हैं सबील वाले जगह पे। जुनेद भाई भी हमारे साथ है। जुनेद क्या हाल है, खैरियत है, मजे में? अच्छा यार बात ये है कि इत्तेफाक से माजिद नहीं है, क्योंकि वो हर साल जो है ना आज़ादारी करने जाता है खैरपुर, खैरपुर सक्खर और रोहड़ी में जो सिंध का सबसे बड़ा मातम होता है ना, माजिद हर साल वहीं जाता है, तो इसी वजह से जो है ना आज माजिद मिसिंग है। बहरहाल माशाल्लाह से भाई यहाँ पर जो है ना सबील का हम लोग एहतमाम करेंगे। और ये सामने है अल्लाह वाली चुरंगी, ये मेन चुरंगी हम लोगों ने यहाँ पे सबील का एहतमाम किया है। और इसी रोड पे यूँ सीधा आगे जो है ना मरकज़ी इमाम बारगाह है, तो ये जो है ना चौक बड़ा अच्छा चौक है इस हिसाब से। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से सबील का सेटअप बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये कबूतरियाँ भी रखी हुई हैं। वाह भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा सेटअप जो है ना माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो है ना ऑलरेडी जो है ना धुले हुए तैयार पड़े हुए, और बस अभी जो है ना सबील तैयार करते हैं, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर बुलंदर सलावा, ये जनाब इसके अंदर तुक मलंगा भी आ गए। यार किधर रह गए, इधर आओ काम करो यार, करते क्या, ये क्या बात है, काम करो जल्दी निपटाओ, टाइम ज्यादा हो रहा है। बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिस्ता बादाम भी जो है ना उसका चूरा बन चुका, भी पिस्ता बादाम डाल दे भाई, डाल देना अभी। इसके अंदर थोड़ा डालना, थोड़ा चक के देखे ना कि सही बनाए कि नहीं, बस बस सही है, इतना सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है भाई, ओके बिल्कुल बेस्ट है। बाहर चलते हैं, जो रक्षा और बाइकों पे है ना उनको रोक रोक के पिलाते हैं यहाँ पे, तो भाई बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लिए अलग बंदे हैं, हम लोग बाहर पिलाते हैं। वहाँ से लोग जाके शाबाश।
भाई तकरीबन माशाल्लाह से जो है ना सबील पूरी पुरबाश हो गई, सबको पिला लिया, जितना हमसे हुआ जितने नसीब की और उनका अपना नसीब था जिन्होंने पिया, तो मौला जो है ना हमारी सबील को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नारे हैदरी बुलंदर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। चलो जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सबील भी हो गई, और जिस टाइम हम लोग बांट रहे थे तब तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, क्या ख्याल है? बिल्कुल भाई, है ना? उस वक्त तो तुम्हें भी मैं देख रहा था पसीने से लथपथ थे, मौसम सुहाना हो गया, मौसम सुहाना हो गया ना बिल्कुल तुम्हारी तरह। थक गए अभी जो है ना, फ्रेश व्रेश होते हैं उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर रात में चलेंगे मजलिस पे मरकजी इमाम बारगाह पे, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी इमाम बारगाह है ना, वहाँ चलेंगे मजलिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह आ गए, ये उसका मेन गेट और ऊपर आलम पाक उसकी ज़ियारत भी आप कर लें, और भाई छठे मुहर्रम की मजलिस सुनने के लिए पहुँच चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ तो ये है हमारे इलाके की मरकजी जो है ना इमाम बारगाह, और ये एशिया की सबसे बड़ी इमाम बारगाह है एरिया के मुताबिक, एरिया के हिसाब से ये एशिया की सबसे बड़ी इमाम बारगाह है। चेकिंग हो गई यहाँ से, और ये देखें भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, और जो यहाँ के लोग हैं उनको तो खैर पता होगा, उन्होंने देखी भी होगी, जिन्होंने नहीं देखी भी होगी उनके लिए जो है ना ये मैं दिखा रहा हूँ, और एरिया काफ़ी बड़ा है इसका, काफ़ी बड़ा एरिया है, और इस तरफ जो है ना स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं जंजीरों के और अलम वगैरह के, इस तरफ देखिए ये अलम के पंजे लगे हुए हैं, और इस तरफ ये सारी चीज़ें। जवाद क्या ले रहे हो तुम यहाँ से? भाई खाके छिपा ले रहा हूँ। खाके छिपा क्यों, तुम्हारे घर पे नहीं है क्या ये? नहीं हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन हाँ। मेरा एक दोस्त है ऑफिस में काम करता है, हाँ उसने कहा है कि मुझे लेकर दो, है अहले सुन्नत का वो। अहले सुन्नत का है वो? हाँ। अच्छा उसने बोला ये? हाँ उसने बोला कि मुझे लेकर दो, मेरा इन चीज़ों में अकीदा है। सही बात है। अच्छा उसने जाना सर रख के सजदा करेगा? सजदा करेगा, क्या बात, तभी तो मांग रहा है वरना। वाकई यार बड़ी बात है, इलाके से छोटे छोटे जुलूस बनकर चला इस तरह इमाम बारगाह में आते, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये आप अदाकारों के लिए है, और जो उम्मीद कहाँ से है ये उम्मीद आप देखिएगा। चलो शेर मुनाजर फरमाई का बड़ा एक नजरियाती शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा उम्मीद जाया न जाए, ये अदाकारों के लिए शेर है मुनाजर फरमाई का। चलते हैं भाई बड़े आलम पाक के जना ज़ियारत करके आते हैं। चल के जगह संभालो, अल्लामा बैठ गया है मिंबर पे, चलो जल्दी चल। अहम दुआ पारे रहा क़िबला अव्वल को आजादी, सजदा नमाज की बेला, और अगर वो सजदा हो साहिब मेराज का तो वो कितना बड़ा सजदा होगा कि उस सजदे का मुकाबला किसी सजदे से नहीं किया जा सकता, वो सजदा किसी भी सजदे के बराबर लाया ही नहीं जा सकता, उससे बुलंद कोई सजदा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि साहिब मेराज का सजदा है, और उस सजदे के आलम में जब नबी हो तो पुष्प पर एक नवासा का तार। प्यारा बच्चा है ये, और ये हमारा सब्सक्राइबर बच्चा है, ये हर जुम्मे नमाज पे ना अपने अब्बू को छोड़ के मेरे साथ आके बैठ जाता है और गपशप कर रहा होता है। इधर आपने इस्तगासा बुलंद किया, उधर अली असगर ने अपने आप को क्या वारे से गिरा दिया।
कितना प्यासा है। एक मतलब बयान करता है, अपना सूखा मुंह घोला, सूखे हुए होटो पर सूखी जबान फेरना चाहिए। आजा में क्रिया बुलंद होने लगा, इसको नहीं पकड़ो यार, ज़ियारत करो, झूले की ज़ियारत करो, उसको पकड़ो नहीं। या उसे जहाँ पे हम लोगों ने दिल में सबील करी थी ना, वहीं पर ही इस टाइम रात में मजलिस के बाद वहाँ पर चाय की सबील होती है। अभी देख रहे हैं आप उधर रश कितना है, तो चले थोड़ी हिम्मत करते हैं, सबील एक कप ही मिल जाए थोड़ी थोड़ी सी, जाना बस वहाँ नजर कर लेते, थोड़ा सा नसीब कर लेंगे एक एक घूट ही ना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, रश तो बहुत ज़्यादा है, वैसे शोर भी बहुत ज़्यादा है। वाह भाई भाई, हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर भाई हैं वो लेकर आया, बहुत शुक्रिया भाई। कम से कम ये फ़ायदा मिल जाता है यार, इसको देखकर मुझे याद आया कि पिछले साल भी मेरी जो है ना चाय आ गई, चाय का बंदोबस्त इस भाई ने किया था। तो भाई घर आ गए और अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। अच्छा ये कि कल यानी कि 7 मुहर्रम को हमारे एरिया में एक जुलूस बरामद होता है, तो कल उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो आप लोगों ने लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक जाना आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।